अस्सलाम व्यूअर, ये रामपुरी ब्रीड में से कबूतर है और इसे जो इसका ब्रीड का नाम है आदम बेजार। इन कबूतरों की उनमें से कबूतरों में से बहुत सारे कबूतर बनते हैं, यानी फीके जो रामपुरी होते हैं जिनके गले गहरे होते हैं, वो छाप फीकी होती है। बेस सबकी यही है, तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल इसका डर रहा है कबूतर। तो इसकी आंख जो है ना, इसकी बॉक्सी इसकी आंख है, और इसके आप देख रहे हैं पल्ले सारे के सारे जो है ना, सलारे काले पल्ले हैं। और इसके देखें छाती तलक जो है, इसको शाम को बना रहा हूँ, ज़रा धूप होती है तो ज़रा आपको शाइन नज़र आती। इसमें से सब्ज गले वाले, जामनी गले वाले रामपुरी निकलते हैं। और रामपुरी की जो बेसिक जो चीज़ होती है, उसके पेटी तलक ना गहरा कल्सरेट टाइप होते हैं, पेटी से नीचे भी, और जो दुम होती होती ब्लैक होती है, और छाप होती है। अब ये छाप देख रहे हैं ना, जिस छाप ये होती है, अब बाज़ लोग रामपुरी बनाते हैं जाक, उस जाकों में से बने हुए हैं, जो जाक तुम्हे भी कह देते हैं, उन्हें जाक कह देते हैं। तो वो जो कबूतर हैं वो रामपुरी नहीं है। ओरिजिनल रामपुरी जो है ना, उनकी जो मेन चीज़ है, उनका कलर इस तरह होगा। ऊपर छाप देख रहे हैं कि ये छाप फीकी भी हो सकती है, ये तो ज़रा गहरी हालत में। देखें कितना परेल कबूतर है। परेल कबूतर की निशान नहीं होती कि जो टांग जो होती है, टांग ऊपर थोड़ा सा, यहाँ से टांग स्टार्ट होती हैं, पर स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कबूतर कितना परेल है। तो इसके आप शौक कर लें, कबूतर को दरअसल चैन नहीं आ रहा। तो मैं इसके आई का क्लोज़अप करवाता हूँ आपको, अगर ये करने दे। और एक चीज़ छोटी सी नोट करें, इसके ना जो गला है उस पर ना आपको वाइट कलर के ना छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक से ना वाइट कलर के ना पर नज़र आ रहे हैं। ये भी बड़ा क्वालिटी साइन काउंट किया जाता है। और शोल्डर देखें इसके कितने स्ट्रॉन्ग है, बाहर को निकले हुए हैं। व्यूअर इसकी जो हड्डी है, ये देख रहे हैं जहाँ मैं अंगूठे से ये लेके जा रहा हूँ, साथ ही मेरी नीचे वाली उंगली, ये देखें ये साथ मूव कर रही है, ये इसकी हड्डी किश्ती नमा तलवार नमा हड्डी है, और तरकीब बिल्कुल जोड़ों के साथ लग रही है। और जोड़ इसके माशाल्लाह अंदर को बिल्कुल, जोड़ हड्डी और ये सारे एक इन लाइन है। और प्लस यहाँ से अगर देखते हैं तो यूँ लेके जाते हैं, हाथ मेरा जाके एंड पे बिल्कुल क्लोज कर जाता है। तो ये चीज़ जो है बड़ा प्लस पॉइंट है। आज एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता है। अब मैंने इसके यहाँ पे ये देखे फिंगर्स दी हुई हैं, ये इसकी बगल के दरमियान, और ये छोटी हड्डी जो काउंट होती है, ये तरीके में दो उंगली बराबर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जोड़ होता है, दो उंगली बराबर है। ये जो है ये कबूतर के सारी परफॉर्मेंस में सारी हड्डी का रोल है। अगर ये हड्डी जितनी छोटी होगी, उतनी अच्छी होगी, जिससे कबूतर की परवाज़ भी ज़्यादा, कबूतर परवाज़ भी ज़्यादा करता है, कबूतर थकता भी नहीं है। जिसकी हड्डी ये छोटी होगी, जितनी शॉर्टर होगी उतनी अच्छी है। ये एक टिप है आज के लिए आपके लिए। इसका मैं पर का शो करवाता हूँ आपको, आप पर देख सकते हैं, कबूतर दरअसल ना बड़े ही गुस्से वाले कबूतर हैं ये। आप ये देखें इसकी, आप कच्छ देख रहे हैं कहाँ जा रही है, कितनी हैवी कच्छ का ये मालिक है, बिल्कुल ना यहाँ तो इसकी कच्छ आ रही है। पर के आप देख लें इसके बाहर के आप पर, ये पर देखें इसके, इसका जो नवा पर है वो दसवें से बड़ा है, और आठवां पर जो दसवें से छोटा है। और इसके परी देख, छोटी परी देखें ये वाली कितनी लंबी है, ये जो कबूतर के ऊपर ये आ रही, ये परी जो है, ये परी जितनी कबूतर की लंबी हो उतना ही कबूतर अच्छा रिजल्ट होता है। प्लस इसकी आप दुम देख सकते हैं कि स्याह काली दुम है। फिर इसके आप पंजे देखें, बिल्कुल किस कलर के, जामनी कलर के पंजे हैं। पकड़े मैंने ज़रा कबूतर कम है, पर इसके देखें दुम तक पा रहे हैं। तो ये इसका मैं क्लोज भी आप देखें, बस दिखा देखने नहीं देता, ये आप देखें इसका।
छोटे छोटे आपका पर नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल जो मैं बात कर रहा था, ये छोटे छोटे पर जो है ना, ये भी बड़े क्वालिटी से हैं, छोटे छोटे फीदर होते हैं, ये अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये परिंदा आपको पसंद आया होगा। हाथ में रुक रहा, ज़रा शाम हो रही है तो इसको हवाले से मज़ीद आपको रामपुर का शौक कराऊँगा। ये कबूतर बहुत ही कम है, क्योंकि आप कोई हज़ारों छतों में जाए तो किसी के पास एक आधा कोई पीस होगा, ये कबूतर मिलते ही नहीं है। बड़ी नायाब नस्ल है आदम बाज़ार। उम्मीद करता हूँ ये कबूतर आपको पसंद आया होगा। आज रिक्वेस्ट के व्यू और लाइक कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।